पर होके ना आबादी आया के बर्बाद आ गया के दिल नार ने आ गया। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VPN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सेकंड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है टेलीग्राम, ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। थर्ड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी कैपकट, ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। ये आप कैसे डाउनलोड करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, म्यूजिक लिंक नाम से होगा, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाली वेबसाइट में आपको जाना है, वहाँ पर आपको ये वाली वीडियो का पोस्ट मिल जाएगा। उस पोस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको नीचे कैपकट ऐप लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपके सामने कैपकट ऐप आ जाएगा, आपको उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना VPN कनेक्ट करना है, जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगा। आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो, सिक्योर VPN नाम है इसका, या आप दूसरा भी कर सकते हो। VPN आपका होना चाहिए, कोई भी VPN हो, इसे आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको बाहर को आ जाना है। अभी यहाँ पर आपको अपना आपका कैपकट ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फोटो वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ से आपको एक अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। फोटो लेने के बाद एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट पर क्लिक करके 9.16 वाला साइज लगा के अपने फोटो को यहाँ जो फ्रेम आ रहा है ना, इस पर फुल साइज में कर लेना है, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फोटो की लेंथ को बड़ा करना है। तो कितना बड़ा करोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अपने फोटो की लेंथ को ना करीब 14 सेकंड का कर लेना है। तो जैसे यहाँ से मैंने 14 सेकंड का कर लिया करीब, ठीक है, यहाँ पर 14 सेकंड आ गए, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर आपको इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट आपको कौन से लगाने हैं, एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख लिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको कौन से इफेक्ट लगाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ब्लर वाला इफेक्ट लगाना है, शुरू में आ जाना है बिल्कुल, नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके ट्रेंडिंग के बराबर में आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपके में बेसिक भी आ सकता है, बेसिक में मिल जाएगा आपको इफेक्ट, वरना आपको इसमें मिलेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जाना है। फर्स्ट में मिल जाएगा हेलो ब्लर, आपको ये वाला इफेक्ट लगा के राइट कर देना है। अब आपका जो इफेक्ट होगा ये 3 सेकंड का होगा, मगर आपको इसे 8 सेकंड का कर लेना है। तो आपको इस तरीके से खींच के ना 8 सेकंड का कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने 8 सेकंड का कर लिया इफेक्ट ये, ठीक है। अब नीचे आपको एक इफेक्ट और लगाना है, ये वाला। तो ये आपको कहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 फिंगर से इसकी जूम लेयर जूम करके आपको टाइम बताता हूँ कहाँ आपको लगाना है। फुल जूम कर लिया, यहाँ पर देखिए 4 सेकंड आ गया आपकी वीडियो का, 4 सेकंड वाला पार्ट। उसके नीचे यहाँ पर 5F है, 5F के बाद जो डॉट है ना, आपको यहाँ पर आना है। तो यहाँ आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आपको वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है गाइस। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नाइट क्लब नाम से, तो नाइट क्लब आपके में दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं, कैपकट अलग होते हैं सबके। तो नाइट क्लब में आने के बाद सेकंड नंबर पर मिल जाएगा शेक नाम का, तो ये लगा देना, जो वाइब्रेट हो रहा है फोटो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर शेख नाम का। अब यहाँ से आप शुरू करोगे तो इसकी लेयर आपको कितनी रखनी है, छोटी हो आपको बड़ी कर लेनी है, बड़ी हो तो आपको छोटी कर देनी है। यहाँ पर आप 06 देख रहे हो, 06 के बाद जो 10F आ रहा है यहाँ पर, इतनी आपको इसकी लेंथ रखनी है, यानी कि आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी तो आपको छोटी कर देनी है। मैंने जितना टाइम बताया आपको वहाँ से वहाँ तक लगानी है। अभी आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको ऊपर साइज़ पर क्लिक करके यहाँ से पहले आपको वीडियो सेव कर लेना है। तो जैसे गाइस यहाँ पर वीडियो सेव हो चुकी है, अभी यहाँ पर नीचे 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और आपके फ़ोन में पहले से VN ऐप होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड करके रख लेना। तो यहाँ पर आपको सिंपली VN ऐप पर क्लिक कर देना, आपके फ़ोन के यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएंगे, तो आपको VN ऐप पर क्लिक करोगे तो जो आपकी ये वाली वीडियो रहेगी ना, वो VN ऐप में रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो आपको VN ऐप में ये वाली वीडियो को ले आना है। तो वीडियो लाने के बाद यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फर्स्ट ये एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है, और यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिस तरीके से आपको कैपकट डाउनलोड करना बताया आपको, वैसे ही म्यूज़िक डाउनलोड करना है, म्यूज़िक भी आपको कैपकट ऐप लिंक के पास मिल जाएगा, आपको म्यूज़िक डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको नीचे म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस, आपको अपने म्यूज़िक पर ये 6 बीट्स लगा लेनी है। 6 बीट्स आप किस टाइम पर लगाओगे, ये भी गाइस मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। पहले हम जान लेते हैं इसमें आपको इफेक्ट कौन से लगाने हैं।
बीट लगाने के बाद आपको राइट करना है। अभी आपने जितने बीट लगाएंगे ना अपने म्यूज़िक में, आपको सब बीट पर टच करके और अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। यहाँ पर जैसे मैंने स्प्लिट कर लिया, एंड से अगर आपकी वीडियो म्यूज़िक से बड़ी होती है तो आपको इसे थोड़ा सा छोटा कर देना है। अभी आपको इफेक्ट वगैरह लगाने हैं, तो इफेक्ट वगैरह का हिसाब कौन से लगाओगे? एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से इफेक्ट लगाने हैं। तो जैसे यहाँ पर ये वाली वीडियो मैंने बना ली है, यहाँ पर मैं आपको इजी तरीके से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो पर आना है, नीचे आपको जूम वाला ऑप्शन मिलेगा, जूम नाम का। फर्स्ट वाले फ़ोटो में जूम इन लगाओगे ना तो एंड के जितने भी फ़ोटोस आएंगे आपको ये करना है, एक में जूम इन, एक में जूम आउट, एक में जूम इन, एक में जूम आउट। बस आपको 4 नंबर के फ़ोटो में जूम आउट वाला इफेक्ट नहीं लगाना है, ये आपको 5 नंबर में लगा देना है, 4 नंबर का छोड़ के, ठीक है? फिर जूम इन, फिर जूम आउट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर प्लस वाले इफेक्ट और लगाने हैं आपको इसमें। तो जैसे फर्स्ट में प्लस आ रहा है, सेकंड में प्लस आएगा, सेकंड वाले प्लस पे क्लिक करके लाइट वाले इफेक्ट लगा के इसकी ड्यूरेशन को आपको इतना कम करके नीचे अप्लाई टू ऑल कर देना है, आपके सारे प्लस में एक साथ इफेक्ट लग जाएगा लाइट वाला। अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको बीट टाइम बता देता हूँ। तो गाइस आपको फर्स्ट वाली बीट लगानी है 0.86 पर, सेकेंड बीट 2.27 पर, थर्ड बीट 3.72 पर, फोर बीट 6.33 पर, 5 बीट 8.60 पर, 6 बीट 10.90 पर, ये आपको 6 बीट लगा लेनी है। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसी लग रही है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट्स और लगाना है, कौन से फ़ोटो में लगाना है वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, आपको 5 नंबर के फ़ोटो पर आना है, नीचे इफेक्ट्स में क्लिक करके 5 नंबर के फ़ोटो में आपको ये वाला इफेक्ट लगाना है जूम आउट नेम का। इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी करके आपको शुरू में रख देना है, यहाँ से लगा देना है। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, यहाँ पर आपको ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।